हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ दोस्तों, हम लौट आए हैं दोबारा से। क्या हुआ था अभी कुछ देर पहले, उसलिए दो दिन से मेरा चैनल बंद हो गया था। पता नहीं क्या हुआ था, लिखा रहा था ऑर्गेनाइज योर चैनल। अब मैं इतना पढ़ा लिखा था, उसकी मैसेज भी नहीं आया। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तो मैंने देखा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा करो, समझ में कुछ आया नहीं मुझे करना क्या है। तो मैंने फिर नोएडा कॉल ठोंका, नोएडा में अपने फ्रेंड से पूछा कोई यूट्यूबर है, कुछ सेटिंग करो, कुछ करो, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है। तो मैंने कुछ किया, दो दिन चैनल आपने देखा होगा, दो दिन चैनल बंद हो गया। मैंने क्या किया था, मैंने मोबाइल से कुछ सेटिंग छेड़ी नहीं, कुछ पैसे छेड़ी थी, तो कुछ काम अगले दिन हो गया। और दो दिन से काफ़ी मैसेज आया, भाई क्या हुआ, कुछ वीडियो शो नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। काफ़ी स्टोरी भी डाली मैंने, और स्टोरी का रिप्लाई भी मुझे काफ़ी अच्छा मिला, आपसे प्यार मिली, मोहब्बत मिली, बहुत अच्छा लगा मेरे को। व्लॉग शुरू करें क्या आज का, है ना, करते हैं। और आज के व्लॉग से लोग बनाते हैं अपनी या मार्ग पर। बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई मेरे गियर काफ़ी हार्ड डलते हैं, मैं जब डालता हूँ लोग कट कट की आवाज़ करते हैं और हार्ड डलते हैं, कभी स्मूथ डलने चाहिए, स्मूथ क्यों नहीं डलते। सारी वीडियो पूरी इसी के ऊपर है, देखते रहो। आज क्या, आज मैं वीडियो नहीं बनाएंगे तो पूरा ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग थोड़ा लंबा था। और भाई देखते रहना, बने रहो यार, अच्छा लगता है। अब ये ऐड मिलना चालू होगा, थोड़ा पैसा आने दो यार, वो सीखने को भी मिलेगा। अब सारे भी वीडियो नहीं आएंगे, सब ब्लॉग आएंगे लंबे लंबे, वीडियो छोटी सी होती है, ब्लॉग सब लंबे लंबे आएंगे। तो वो बनो रहो यार, बने रहो, बने रहो। जो जिनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर जाएगा यार। कोई ज़्यादा मैं आंसर वहीं देता हूँ यार, रिप्लाई का सुनते हूँ, जा रहा हूँ, कल मिलूँगा। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए अपनी यामा की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था कि गियर हार्ड डलते हैं, तो गियर हार्ड डलने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये जो हमारा लीवर है, पहले तो उसमें प्ले रहनी चाहिए, ये वाली, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी प्ले रहनी चाहिए। यहाँ कभी कभार क्या होता है, यहाँ जंग आ जाती है, जिसकी वजह से लीवर ये हार्ड चलने लगता है। ये पहला पॉइंट है, ओके। इसको ढीला रखें या इसकी ग्रीसिंग क्या करते रहा करें, इस जगह, इस जगह, और इनके ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इन पॉइंटों पर ग्रीसिंग किया करो। उसके बाद सेकेंड रीजन जो होता है, गियर जो हार्ड डलते हैं, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, शायद वीडियो में दिखाई दे रहा हो, थोड़ा पास से दिखाता हूँ मैं, ओके। ये जो पॉइंट जो होते हैं इधर इधर इधर, इसकी वजह से यहाँ ग्रीसिंग किया करो हमेशा, गियर हार्ड डलेंगे, हार्ड नहीं डलेंगे सॉरी। अब सबसे बड़ा रीज़न जो हमारी क्लच होती है, क्लच में प्ले, प्ले नहीं होनी चाहिए इतनी, मेरे में इतनी प्ले है, तो इतनी प्ले रखूँगा, और क्लच प्रॉपर काम करनी चाहिए। यहाँ से सेटिंग होती है कुछ, और कुछ ऊपर से सेटिंग होती है, इन दोनों को सेट करके। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है। इसको जहाँ तक कोशिश करेंगे टाइट रखें, मेरी इतनी टाइट है कि मेरे गेयर एकदम स्मूथ डलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ से यहाँ तक। ये दो ही रीज़न होते हैं जिसकी वजह से गेयर हार्ड डलते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना गेयर साफ्ट की, ना कुछ। गेयर साफ्ट की प्रॉब्लम आपको अलग बताऊँगा, ये वाली। दोस्तों जिन लोगों को इंस्टाग्राम फॉलो करना है वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और आज की वीडियो से दोस्तों यहीं तक थी, मैं बता रहा, मैंने इसको जितने बता रहा इतनी ही प्रॉब्लम होती है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाए तो कभी बेवकूफ़ ना बने। दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो से यहीं तक थी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के दोस्तों चलते हैं। हाँ दोस्तों, आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही था। काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रहे होंगे कि भाई ये बुक्स किसकी रखी हैं, बुक्स भाई मेरी हैं, मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। तो वीडियो आप सोच रहे होंगे इतना सा ही बस काम होता है, इतना सा ही काम होता है जिससे गियर हार्ड डलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी लूज क्लच की, क्लच कभी लूज़ नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से गियर हार्ड डलते हैं। क्लच जब भी लूज होगी तो गियर हार्ड डलेंगे, हार्ड डलेंगे तो भाई मज़ा नहीं आएगा पिकअप में, ना डालने में, ना रेसिंग में। अब कुछ अगली टिप्स आएगी रेसिंग की, भाई रेसिंग की टिप्स आने वाली हैं, देखना ज़रूर, कल आएंगी, बाय।